हैप्पी होली, हैप्पी होली। एक तो ये विशाखा का बम भी ना सर जी, बम हर जगह एंजॉयमेंट ढूंढा करो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं होली बोल के बम क्यों चला रहा हूँ। सर जी पता क्या है, दिवाली वाले दिन यही बम 15 रुपए का बिकता है। आज मुझे 3-3 रुपए में मिला, तो मैंने कहा आज क्यों ना चलाऊं। वैसे सोहेल भाई, मैंने ये अपना इंस्टीट्यूट खोला है कि जिन लोगों को त्यौहार बनाना नहीं आता, कौन सा त्यौहार कब किस टाइम पे कैसे बनाना है, उनके लिए मैंने ये इंस्टीट्यूट खोला है। उमेश भाई मैं आपका बड़ा फैन हूँ सर, इतना फैन हूँ ना, मैंने आपके शो देखे हैं, आप कितने प्यारे इंसान हो यार। उस दिन कंटेस्टेंट को बोल रहे थे मेरे को तेरे घर में रोटी चाहिए। पता कि आपने तो बोल दिया मेरी तेरे घर में रोटी चाहिए, उसकी माँ ने इतनी मेहनत से बिरयानी बनाई, अब आपके चक्कर में दोबारा चपातियां बनाए, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। किसी की माँ को क्यों तंग करते हैं आप। एक हमारी जज है, हमारी भी रोटी खा जाती है। उमेश भाई आपकी फिल्म और शाहरुख भाई की फिल्म रावण एक ही साथ आ रही है, ये हुई टक्कर की बात, तालियां जन कर दो। मान गया मैं सर शाहरुख खान को, टक्कर ली भी तो किससे, सीधा हिमेश रेशमिया से। मैं किन चक्रों में पड़ गया सर जी, मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला है, मैं तो कहता हूँ कोई ग्राहक आए और दिवाली वाले दिन मेरे भी बोन ही हो। हेलो, Excuse me. Can you please tell me about this dress? Where is this training school? Where should I go? Should I go straight and take a ride, or should I? देखो, hello. इधर बगल में पुलिस चौकी है, तुम उधर कोने में जाके, जो मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ. What? देखो, मैं तुमको ये training school का address पूछा, समझे? तो तेरे को हिंदी आती तो पहले क्यों पूछा? मैं तो खामखा तेरे को रशियन समझ बैठा, 3 महीने की पगार मेरी 2 मिनट में उड़ जाती। वैसे आप कहाँ से आई मैडम? मैं चाइना से आई। चाइना से आई हैं? या तो नूडल कहाँ है? कोई ग्रेवी चौमिन, आंखें भी आपकी ऐसी नहीं है, तो मतलब ओह नो, मैं इंडिया की लड़की हूँ, चाइना घूमने गई थी, वहाँ से वापस आई। पर वैसे आप इंडियन लगती नहीं, ये तांबे वाले बाल तो होते नहीं इंडियन, कितने क्या है, मेरे मम्मी डैडी इंडियन है और मेरा जन्म बाहर, इंडिया के बाहर विदेश में हुआ। अच्छा, मम्मी डैडी इंडिया में, बच्ची बाहर पैदा हुई। अच्छा, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। आप वैसे इधर करने क्या आई मैडम? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म विदेश में हुआ, तो मैं यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानती, क्या आप प्लीज मुझे सिखाएंगे? अच्छा, इधर के रीति रिवाज नहीं आते? नहीं, उधर वाले तो आते ना, तो फिर आते मेरे को पप्पी। मैं तुमको बोली कि मैं यहाँ के त्योहार के बारे में कुछ नहीं जानती है, वो सीखने आई है, क्या तुम मुझे सिखाएंगे? मैं बिल्कुल सिखाऊंगा मैडम आपको, सारे त्योहार सिखाऊंगा, आपको फीस देनी पड़ेगी 25,000 रुपया। 25,000? Yes. ये तो बहुत ज्यादा है, कम करो। मैडम मैंने कम करके बोला है, राउंड फिगर में बोला, नहीं तो मैं तो 1144 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेता। 1144 रुपए का राउंड फिगर होता है 1,000 रुपीज। तू फॉरेन से आई है, साली मोल भाव तो गुजरातियों से ज्यादा कर रही है। अच्छा ठीक है, तुम जितना पैसा बोलेगा मैं तुमको देगा, लेकिन तुम मेरे को सारे त्योहार के बारे में सही सही सिखाएगा। ओके बिल्कुल। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिवाली फेस्टिवल से। आप बताओ दिवाली कब सेलिब्रेट करते हैं? दिवाली मैडम बड़ा अच्छा त्योहार होता है, खुशियों भरा त्योहार होता है, इसको हम लोग रात में मनाते हैं। जस्ट लाइक सुहाग रात, वो वाला त्योहार नहीं होता ये, किस दिन पटाखे चलाए जाते हैं। ये पटाखे क्या होता है? पटाखे तो फिर जो मर्जी करो। ओह शट अप, मेरा मतलब वो पटाखे नहीं, वो पटाखे। अच्छा, पटाखे। हाँ। शूंठा। ओह यस यस। ये पटाखे जो होते हैं ना, ओके, खुशी में जलाए जाते हैं। ओके। रात में जब दिवाली होती, रात होती तो शूंठा। चलिए अब मुझे किसी और त्योहार के बारे में बताइए। यस, आपने होली के बारे में सुना है? Oh, yes! yeah. होली कलर्स का त्योहार है। तेरा दिमाग खराब है, होली कलर्स का त्योहार है तो होली वाले दिन सोनी का सत्संग चलाता है। होली से वेरी फ्रेंडली त्योहार, रोमांटिक त्योहार। ओके, हैप्पी होली में क्या होता है मैडम, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये पिचकारी है, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसके रखना है ऐसे, मग से पानी भरना यूं करके। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पिचकारी चलाने में मजा बड़ा आता है। ओह स्टूपिड, पानी ऐसे नहीं, ऐसे भरते हैं। कसम से। हाँ। मेरे को तो पता ही नहीं था आज तक कि किसको ऐसे भरते हैं। मैंने पिछली जो आई थी होली, मैंने सॉरी मैंने नहीं। मेरे को क्या पता कैसे भरते हैं। तू बड़ा हंस रही है।
देखिए मेरे को पता नहीं था ऐसे भरते हैं, मैंने तो पिछली होली में जैसे भरना शुरू किया, भरते भरते मेरे को 6 महीने लग गए। क्रिसमस आ गई, फिर मेरे को मिले ना भिगोने के लिए, फिर मैंने सेंटा क्लॉज को भिगो दिया। भिगा के जो मजा आता ना, फिर हमारे सामने चाहे मुर्गी भिगी हो उसको देख के बड़ा एंजॉय करते हैं। इतना भी फनी पंच नहीं था ये, मैडम मैं पंच पे नहीं हंस रहा हूँ, होली से मैं सीधा दुशहरे की तरफ आ गया हूँ। ऐसे रावण हंसता था, मैं बता रहा हूँ। रावण, यू नो रावण? ओह यस यस आई नो रावण, शाहरुख खान रावण है। वो वाला रावण नहीं मैडम, ये रावण जो था श्रीलंका बेस था, इसका पासपोर्ट श्रीलंका का था। इसके 10 मुंह थे। इसको दशहरे वाले दिन जलाया जाता है। दशहरे वाले दिन क्यों जलाया जाता है? तैयार नहीं होता ना उससे पहले, दशहरे वाले दिन ही तैयार होता है। अच्छा, ये सो फनी। खैर, किसी और त्योहार के बारे में बताइए प्लीज। हाँ मैं बताता हूँ, तुम्हारी माँ बीमार है तो उसका इलाज भी करा दूँ अस्पताल में। 1100 रुपए में तेरे को दिवाली बताऊँ, होली बताऊँ। तू एक काम कर, तू ये ले 2100 रुपया, तू मेरे को सिर्फ एक फेस्टिवल सिखा, खुल के बताना ये वैलेंटाइन डे का क्या हिसाब किताब होता है। लॉस्ट, तुमको 2100 रुपए में क्यों सिखाएगी जब मैं 3000 में ऑलरेडी सोहेल को सिखा चुकी हूँ। अच्छा तो आप दिवाली मना के बैठे हो इधर, पटाखे हमारे फोड़ आपने दिए। मेरी बात सुनो, अगर आप लोग दिवाली मना के बैठे तो हमारी दिवाली क्यों खराब कर रहे हो? दो हमें 10-10 नंबर निकले, हम लोग अपनी दिवाली मनाए क्यों? भाई लोग बजाओ ताली। इतनी रात हो गई है और मेरा बेटा सुरेश अभी तक नहीं पहुंचा है, क्या पता घर आ ही गया हो, पहले मैं तो घर पहुंचूं। हाय, इतनी रात को एक बूढ़ी औरत को बाहर नहीं रहना चाहिए, बहुत खतरा होता है, अगर कोई बदमाश आ गया तो। हाय, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। अब मेरी बहुत उम्र हो चुकी है, अब मैं स्टैंड अप नहीं कर सकती, मैं चली घर। चलो जी, आ गई मैं घर। हाय जावेद, हाय सुनील, आई लव ये। देखो इन लौंडों के चक्कर में मैं ये भी भूल गई कि मैं अंधी हूँ। सुरेश बेटा, सुरेश। माँ, 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 माँ। अबे अंधी के बच्चे इधर दे। अंधी के बच्चे। और बेटा इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं अंधी हूँ, बहरी नहीं हूँ। ये बता तू था कहाँ बेटा? माँ तुझे तो पता है ना माँ, मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया था माँ। हाँ बेटा हाँ। माँ अब तुझे दूसरों के घरों में जाके बर्तन मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। सच बेटा सच। हाँ माँ, नौकरी मिल गई। नौकरी नहीं मिली माँ, मैं खुद के बर्तन लेके आऊँ, जितने जी चाहे मांज। और माँ अब तुझे कोई जरूरत नहीं है पराए मर्दों के कच्चे सिलने की माँ। अरे कमबख्त, मैं कौन से उनके पहने हुए कच्चे सिलती थी, मैं तो नए कच्चे सिलती थी। क्या नए कच्चे भी फटे आने लगे माँ? चुप कर, पहले ये बता तू इतने सारे बर्तन लाया कहाँ से? कहीं तूने खरीद के तो नहीं लेकर आया? नहीं माँ नहीं, जिसकी माँ इतनी बड़ी चोर हो वो कैसे कोई चीज खरीद सकता है माँ? मुझे आज भी याद है माँ, जब तू कई साल पहले मुझे मंदिर की सीढ़ियों से चुरा कर लाई थी माँ। अरे बेटा चुराने तो मैं चप्पल ही गई थी, लेकिन वहां सिर्फ तू ही चप्पल पहन के बैठा था तो तुझे ही उठा लाई। माँ माँ 15 मिनट की फिल्म निकल गई माँ, लेकिन तुझे खांसी नहीं आई माँ। हाँ शाबाश माँ, शाबाश माँ। माँ लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है माँ। हाँ बेटा, वकील को बुला, वकील को। वकील को नहीं माँ, डॉक्टर को बुलाते हैं माँ। अरे बेवकूफ, डॉक्टर का नाम ही वकील है, डॉक्टर वकील अहमद। माँ वो तो सुबह से 3-4 बार आके जा चुका है माँ, मैंने उससे बोला कि कल आना, माँ की तबीयत खराब है माँ। बेवकूफ, जब किसी की तबीयत खराब होती है तभी डॉक्टर आते हैं। अच्छा तो डॉक्टर तो रोज अपने घर जाता है, वहाँ किसकी तबीयत खराब होती है माँ? डॉक्टर को गोली मार माँ, ये देख मैं कितनी सारी दवाइयाँ लेके आया हूँ माँ। अरे तो कम बखत खा क्यों नहीं लेता, रोज रात को मुझसे ज्यादा तो तू खांसता है। अरे माँ तुम अंधी हो गई, तेरे से आवाज भी पहचानी नहीं जाती माँ। वो खांसी नहीं मेरे को गैस की प्रॉब्लम है माँ।
माँ तू समझती नहीं है माँ। अरे चुप कर, मेरी एक बात सुन ले। क्या? बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना कि तेरे माँ के गहने जमींदार के पास है। साले मेरी माँ के गहने उसके पास है, तेरे को क्या झटा झटा है? तूने मुझे पालने के लिए अपने गहने गिरवी रखे माँ? अरे नहीं रे, उस रात को भूल गई। इसका मतलब जमींदार ही मेरा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बेटा बनवाने के लिए दिए हैं। जमींदार के पास गहने बनवाने के लिए कौन देता है माँ? बेटा ये तो फंसाने वाली बात हो गई। खैर तो जमींदार को छोड़, मैंने तेरे लिए खीर बनाया है बेटा, ये ले खीर खा। लेकिन माँ ये तो सिर्फ चावल है माँ। बेटा हम गरीब हैं, आज चावल खा ले कल दूध पी लेना, परसों खीर बन के अपने आप बाहर आ जाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.